भाई एक योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आपसे कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे बेहतर होंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी साहब ने बड़ा महाधमाका अभी अभी सीएम साहब ने दिया है। अभी अभी जो धमाका है, अभी अभी जो महातोहफा है नायब सिंह सैनी साहब ने देने का काम किया है। लाखों लोगों को ये तोहफा जो है श्री नायब सिंह सैनी साहब ने दिया है भाई, महा ऐलान कर दिया है। और पूरी तरीके से चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी आ चुका है। पूरी तरीके से डेली 10-10, 20-20 घोषणाएं करना, डेली बड़े बड़े ऐलान करना, डेली जो है तोहफे पे तोहफे लगाना, चुनावी मास्टर स्ट्रोक खेलने का काम जो है इसने किया है। साथ ही चंडीगढ़ से अभी घोषणा भाई, जो जो है ये लोकसभा का जो चुनाव आपका आयोजित हुआ था, इसमें पहले 10-0 था, 5-5 आ गया। इसमें सबसे बड़ा जो है लोग कौन खिलाफ थे इनके, जाट कम्युनिटी तो सिर्फ सीधे तौर पर खिलाफ थी, ठीक है, लेकिन एक ऐसा वर्ग दलित कम्युनिटी भी मोस्टली इनके खिलाफ ही गया। तो मुस्लिम हमेशा जाता है, सिख इनके खिलाफ था। ये चार कम्युनिटी तो जो है 100 जो है लगभग जो है 75 प्लस ये जो है वन साइडेड मूव किया था, ठीक है। लेकिन जो बड़ा जो डेंट लगा, जो अन्य जो बीजेपी फेवर्ड जो जातियां हैं, बीजेपी समर्थन करने वाली जो जातियां हैं, उन्होंने अब की बार जो अपनी कास्ट एक्टिज्म या उसको नहीं देखा, उन्होंने क्या देखा, जैसे सरकारी कर्मचारी थे पूरे के पूरे जो वन साइड के खिलाफ चले गए बीजेपी के, रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे वन ओल्ड रैंक जो पेंशन को लेकर वो खिलाफ चले गए, ठीक है। तो अब सरकार जो है अब दलितों के लिए तमाम तरह की घोषणाएं, ओबीसी का कोटा बढ़ा दिया 15% से 27%, तमाम डेली 10-10, 20-20 घोषणा, सरपंच है सभी जातियों के, सरपंचों के लिए बड़ा महायान बड़े महाधमाके करण लाग रहे हैं, ठीक है। तो अब नायब सिंह सैनी साहब जो है पूरी तरीके से बीजेपी एक्टिव मोड में आ चुके हैं। और परसों अमित शाह जी ने जो है नायब सिंह सैनी को तीसरी बार नॉमिनेट कर दिया, वरना भारतीय जनता पार्टी चुनाव पूर्व जो है किसी को मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं करते। अब आपके दिमाग में होगा यार ये तो पहली सरकार में थे, तो इसीलिए ये स्वाभाविक सी बात है। जबकि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के अंदर लगातार बढ़ते आ रहे थे और एमपी में उसी के नाम पे वो बहुमत आया था, फिर भी उसको दरकिनार कर दिया गया, ठीक है। उसको जो है सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन हरियाणा में साफ ऐलान कर दिया गया है कि नायब सिंह सैनी के नाम पर चुनाव हम लड़ेंगे, ठीक है। तीसरी बार अगर सरकार बनती है तो अमित शाह ने ऐलान कर दिया नायब सिंह ही बनेंगे। अब भाई जो महा ऐलान नायब सिंह सैनी साहब ने दिया वो देख लो भाई, अभी अभी चंडीगढ़ से नायब सिंह सैनी साहब ने तोहफा दिया हरियाणा में कर्मचारियों को, बल्ले बल्ले बड़ी ब्रेकिंग जो है सारी प्रिंटिंग मीडिया है प्रमुखता से जो फिलहाल चलन लग रहा है भाई, हरियाणा में कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। किन कर्मचारियों की बढ़ी है, सरकार में कौन कौन से सरकारी कर्मचारी को भी वो हम बताएंगे। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है 1 जुलाई से ये लागू होगी, यानी आज से इनकी बढ़ी हुई सैलरी जो है, बढ़ी हुई इनकी तनख्वाह जो है वो लागू हो गई है आज ही से इनकी। तो अब ऐसा नहीं भाई घोषणा कर रहे हैं, अब तुरंत के तुरंत लागू कर रहे हैं उन चीजों को, पीछे के लिए नहीं छोड़ रहे भाई, पीछे के लिए नहीं छोड़ रहे, अब तो तुरंत के तुरंत हाथ के हाथ जो गेंद लगा जो है तुरंत के तुरंत लागू करने का काम जो है नायब सिंह सैनी साहब कर रहे हैं। तो भाई आप दिखा दें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम, अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम पहले बहुत से भाई को नहीं पता होगा, ये समझ लो यार पहले आपके लिए वैसे भी ज्ञान पूर्वक रहेगा। ये HKRN इसका शॉर्ट फॉर्म है। हरियाणा प्रदेश के अंदर 3 बोर्ड है, HSSC, HPSC सरकारी नौकरियों का, तीसरा है HKRN, ठीक है यार। गुरुजी HKRN तो हमने सुना ही नहीं था कभी, ठीक है। तो गुरुजी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी और ग्रुप डी की पक्की 60 साल वाली भर्ती करती है, और हरियाणा लोक सेवा आयोग जो करता है वो अफसरों की भर्ती करता है, ठीक है। ये दोनों सरकारी पक्की करते हैं, ये ग्रुप ए और ग्रुप बी यानी अधिकारियों की करता है, ये ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों की करता है, ठीक है। HSSC जबकि ग्रुप ए बी सी डी सबकी जो कच्ची भर्ती करता है वो करता है हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN। अब से पहले DC रेट के थ्रू हरियाणा में कच्ची भर्ती हुआ करती थी, कच्ची भर्ती, ठीक है। तो उसमें क्या था, कट्टर साहब ने जब पक्कियों में ईमानदारी लागू की तो कच्चों में बड़ा खेल होता था, डीसी अपने चहेते को नियुक्ति देता था, ठेकेदार सैलरी नहीं देता था, ठेकेदार अपने मन मुताबिक लगाता था। तो सरकार ने क्या किया, इनके लिए एक बोर्ड की गठन कर दी HKRN, लेकिन कच्ची में यह कर दिया भाई इसमें तो ये पेपर वगैरह लेकर सिलेक्शन करते हैं, इसमें बिना पेपर के जो ज्यादा गरीब है उसको कच्चा नौकरी लगाते हैं, 1 लाख भर्ते होंगे HKRN के तहत अब फिलहाल, ठीक है। कंडक्टरी की भी आई हुई है, ठीक है, HKRN के तहत रोडवेज कंडक्टर, ठीक है। तो HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम डीसी रेट को खत्म करकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो उसके तहत भर्ती हो रहे कच्चे जो कर्मचारी HKRN के थ्रू लगे हुए हैं, ठीक है।
साथियों यहाँ सीएम ने ऐलान किया एचकेआरएन के थ्रू पार्ट वन पार्ट टू पार्ट तीन के भर्ती कर्मचारी को वेतनमान में 8% सैलरी बढ़ोतरी की गई है। कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी 1 जुलाई से लागू होगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,80,000 कर्मचारी जो है कार्यरत है, यानी 2 लाख के करीब करीब लोगों को, 2 लाख के करीब लोगों को जो है इस बढ़ी हुई तनख्वाह का फायदा होगा। मान लो किसी की सैलरी जो है 1 लाख है, उनको 1,08,000 मिलेगा, 8% सैलरी जो है बढ़ा दिया गया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी जो कच्चे कर्मचारी हरियाणा प्रदेश के अंदर है, इनको पक्का भी करेंगे अभी बहुत जल्द, ठीक है। 2023 में 10-20% की बढ़ोतरी खट्टर साहब ने की थी और अब इनकी जो है नायब सैनी ने कर दी है और इनको अब पक्का करने का धमाका और चुनाव के समय करेंगे। 15 सितंबर को आचार संहिता हरियाणा में लगेगा। अभी लगभग जो है 85 दिन का कार्यकाल इनका बचा हुआ है, तो फिर अलग से इनको तोहफा देंगे पक्का करने का। अब तनख्वाह बढ़ाने का तोहफा दिया है तो भाई जो है बड़ा तोहफा पूरी तरीके से सुना गया और भाई जो है लाखों को लाभ मिला है। अब पक्की कच्ची भर्ती 1 लाख होगी, पक्की जो है 50,000 होंगी। तो भाई अपनी जो है कच्चे कर्मचारी जो है साथियों कच्ची की तैयारी करते रहो, फार्म भरते रहो, कच्ची मत तैयारी क्या फार्म भरते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब जरूर।